बाबा बोलो। बेटा ठंडा नहीं है मेरे पोते के लिए गर्म कपड़े ले लिए बाबा और कुछ? और कुछ नहीं, तू अभी अभी पिता बना है ना इसलिए सोचा बता। पापा मैं अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। आपको क्या लगता है हा? सिर्फ आपको याद है बच्चे पालना? आज सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे जैसा आसान नहीं रहा। आपको क्या पता आज का पिता क्या होता है? मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? आज मेरा बेटा पूछ रहा है मुझसे क्या होता है पिता, मैं बताता हूँ। पिता वो होता है जो खाली पेट तुम्हारा पेट भरता है, बिना सोए तुम्हें सुलाता है। तुम अपनी जिंदगी जियो उसके लिए, हर पल खुद की जिंदगी भूल जाता है। पिता मकान को घर बनाता है, पैसे चाहे कम हो लेकिन अपना बटवा पूरा दिखाता है। खुद के चप्पल खिस खिस के चाहे फट जाए लेकिन तुम्हारे लिए नहीं छूटे जरूर लाता है। पिता तुम्हारी हंसी के लिए मरता है, तुम्हारी खुशी के लिए मरता है। तुम कामयाबी की सीढ़ी में जब चढ़ो उसके लिए हर रोज बस मरते ही जाता है। पिता कम बोलता है, गुस्सा होता है, शक्ति दिखाता है, डांटता है, मारता है, गिराता है, लेकिन उसके बाद संभालता भी है। पिता वो होता है जो घरों की तरह से चलते ही जाता है। कत्ती धूप में तुम्हें छाव दिलाता है, तुम्हारे आंसू पोंछ के अंदर की गम को खाता है, तुम्हारा डर दूर हो उसके लिए खुद का बहादुर रूप दिखाता है। और आज मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है क्या होता है पिता। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे हमदर्दी चाहिए ना, इतना कमजोर नहीं हूं मैं बस ये बताना चाहता हूं कि बुढ़ापे से लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि मौत करीब होती है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि अपने दूर हो जाते हैं। अर्थी तो सबकी होती है लेकिन जब उस वक्त बेटा खड़ा होता है तब वो मौत जिंदगी से बढ़कर होती है। बचपन में तुम सिद्ध कर देते बाबा से छुरा छुरा लेगी और आज एक पिता बेटे से सिद्ध कर रहा है मरे हुए तस्वीर पर हार चढ़ने की। शायद तुम्हारे पिता भी ऐसे सोच रहे होंगे, एक बार उनसे बात कर लो। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट निकालो उनके लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल ली। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जब तुम उनसे बात करोगे तब अपने सारे दर्द भूल के सिर्फ एक ही चीज पूछेंगे,